आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिस पर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें हैं। और आज बड़ा दिन है क्योंकि माफिया ब्रदर्स बोलेंगे, कई राज खोलेंगे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अहम आरोपियों तक अभी भी पुलिस पहुंच नहीं पाई है, हाथ खाली है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि माफिया अतीक और अशरफ की पेशी आज होनी है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की पेशी होनी है, प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में दोनों को ही पेश किया जाएगा। यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो दोनों आरोपियों की रिमांड मांगने की यहाँ पर पहल कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी कोशिश रही कि अतीक को रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ हो सके। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ नामजद आरोपी हैं। ऐसे में यूपी पुलिस की ये कोशिश है, इससे पहले जब उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट में पेश किया गया था उस वक्त भी यूपी पुलिस की ये कोशिश रही थी कि अतीक की कस्टडी मिले, जिससे कि अहम जो सबूत है उन्हें जुटाया जा सके और अहम जानकारियां और जो शूटर्स के बारे में जानकारी है, जो अहम आरोपियों के बारे में जानकारी है वो अतीक के जरिए मिल सके। लेकिन पहले ये कोशिश यूपी पुलिस की कामयाब नहीं हो पाई थी। आज खास दिन है, सीजीएम कोर्ट में सुबह 11 बजे का वक्त है जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पेशी होनी है। ये चार तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी घेरे में जिस तरीके से साबरमती से प्रयागराज तक अतीक अहमद को लाया गया और जगह जगह जो स्टॉपेज रहे, जिस तरीके से अतीक अहमद का बयान सामने आया है उससे साफ है कि अतीक अहमद डरा हुआ है। अतीक अहमद ये जान गया है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है और इसीलिए उसने कहा भी कि अब तो मिट्टी में मिला दिया है, अब और क्या चाहते हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है। और माफियागिरी पर वो कहता है कि माफियागिरी तो मेरी कब की खत्म हो गई है। लेकिन रह रहकर ऐसे सबूत सामने आते हैं जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई की, करीबियों की, परिवार रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट उमेश पाल हत्याकांड में नजर आती है। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं नैनी जेल से, लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रयागराज कोर्ट से हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक मैं आपका रुख कर लेती हूं, चूंकि नैनी जेल में ही अभी फिलहाल माफिया ब्रदर्स हैं, किस तरीके की तैयारी है, सिक्योरिटी के इंतजाम कब हैं, अगर 11 बजे कोर्ट में पेशी का वक्त है यहां से कब निकलेंगे? 11 बजे पेशी का वक्त है और यहाँ पर अंदर दोनों माफिया ब्रदर्स मौजूद हैं और अब से कुछ देर में यहाँ से रवाना होंगे। तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुंचना है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे दोनों माफिया ब्रदर्स, आगे पीछे दोनों गाड़ियों से चलेंगे और उससे पहले उसी तरह का कॉन्वॉय जो सुरक्षा है, बाकी जो पूरे रास्ते भर में 15 किलोमीटर का जो रास्ता है उस बीच में भी कई जगह पर सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरी कचहरी रोड है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी कि 4 बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं पूरी रोड पर, 3 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 4 कंपनी पीएसी, बाकी जो यूपी पुलिस के जवान हैं, कॉन्स्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स रैंक के ऑफिसर्स, साथ ही साथ सीनियर डीसीपी वो भी मौजूद रहेंगे, जो नगर डीसीपी हैं वो मौजूद रहेंगे। और पूरी तरह से न सिर्फ कोर्ट के बाहर बल्कि इसी तरह का इंतजाम कोर्ट के अंदर भी होगा। जब अच्छा अभिषेक, इंतजामों की बात तो आपने की, पिछली बार लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए ना, वो अतीक जो कि रास्ते में मीडिया कर्मियों को ये कहता है कि ये इनके इरादे ठीक नहीं है, ये मुझे मार देना चाहते हैं, जो कहता है कि परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है, अब और क्या कुछ बाकी रह गया है, माफियागिरी तो कब की खत्म हो गई, जो डरा सहमा नजर आता है, बेचैन नजर आता है, ये बेचैनी रात भर रही होगी, रात कैसी गुजरी? जी हाँ बिल्कुल, रात की बात की जाए तो रात भर बेचैनी वैसे ही थी और बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि अतीक अहमद को बीपी का इशू हो गया था और न सिर्फ बीपी बढ़ने की वजह से अतीक को दिक्कतें हो गई थी बल्कि उसने वहां पर जेल में जो बंदी रक्षक थे उनसे बताया भी कि उसे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, डॉक्टर को बुलाया जाए। लिहाजा जेल प्रशासन ने सुबह 2 डॉक्टर्स बुलाए भी, जेल डॉक्टर ने अतीक का चेकअप किया, उसे प्राइमरी मेडिसिन भी दी है और अब यहाँ पर जब उसे ले जाया जाएगा उससे पहले उसका दोबारा मेडिकल भी कराया जाएगा जेल ले जाने से पहले। अभिषेक, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। अभिषेक बता रहे हैं कि रात भर बेचैन रहा है अतीक अहमद और रात में उसे बीपी हाई का इशू हो गया, बीपी का इशू हुआ जिसके बाद जेल प्रशासन को इसकी खबर पहुंची, सुबह सुबह 2 डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, नैनी सेंट्रल जेल में अशरफ ने मांगी है धार्मिक पुस्तकें, जेल प्रशासन ने अशरफ को धार्मिक किताबें उपलब्ध भी कराई हैं। जेल में खाने को लेकर अशरफ ने विशेष डिश मांगी थी, जेल प्रशासन ने डिश सर्व करने से उसे साफ इनकार कर दिया, स्पेशल डिश
की मांग पूरी नहीं हुई, धार्मिक कुछ किताबें मांगी हैं पढ़ने के लिए, जेल प्रशासन ने इस पर गौर करने की बात कही है। एक तरफ अतीक है जिसका बीपी हाई रहा, जिसने ये शिकायत की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर जेल प्रशासन ने सुबह दो दो डॉक्टर्स बुलाए हैं जो कि दवा दी गई है और अभी जेल से निकलने से पहले एक बार फिर से मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ नैनी सेंट्रल जेल में जहां पर अशरफ अहमद को रखा गया है, अशरफ ने कुछ धार्मिक किताबें मांगी है, जेल में खाने को लेकर कुछ विशेष डिश भी उसके जरिए मांगी गई है। अभिषेक का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद पूछेंगे कि किस तरह के इंतजाम विकास मिश्रा से कि कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, जेल में विशेष डिश कौन सी मांगी गई थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का क्या इरादा है अशरफ का? जेल के अंदर दाखिल होने के बाद जब वो अपने बैरक में पहुंचा तब उसने धार्मिक किताबों की मांग की। उसने पहले बंदी रक्षकों से कहा, तो उसने ये भी कहा कि जेलर साहब को बता दीजिए कि मुझे धार्मिक किताबें चाहिए और मैं कुछ बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ, लिहाजा वो उसे उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल जेल प्रशासन ने उस पर विचार करने की बात की है। उसके बाद आते हैं खाने पर। रात में जब सब जो बंदी होते हैं उन्हें खाना दिया जाता है, वो खाना जब उसके सामने पेश किया, उससे पहले अशरफ ने कुछ विशेष मांग की थी और उस विशेष मांग को जेल प्रशासन ने तत्काल रूप से दरकिनार कर दिया और ये भी कहा कि जो जेल मैनुअल में है वही मिल पाएगा, कुछ स्पेशल डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। विकास मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। माफिया अतीक ने बेटे अली से मिलने की गुजारिश की है, जेल प्रशासन से माफिया अतीक की गुजारिश यहां सामने आई है। अतीक ने कहा है कि 5 मिनट बेटे अली से मुझे मिलवा दीजिए, मैं मिलना चाहता हूं। अतीक ने कहा कि पता नहीं दोबारा कब चेहरा देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। जेल प्रशासन ने परमिशन न होने की बात कह दी है, ये मांग भी पूरी नहीं हुई है। उधर अशरफ की मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। इधर अतीक ने कहा बेटे अली से 5 मिनट मिलवा दीजिए, एक बार चेहरा देखना चाहता हूं, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि ऐसी परमिशन नहीं है और ये मांग उसकी पूरी करने से साफ इनकार कर दिया है। विकास, ऐसा लगता नहीं कि अतीक अहमद चाहे रास्ते में दिखे या फिर जेल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या फिर बात कह लीजिए या फिर उसकी मांगे कह लीजिए, एकदम सरेंडर्ड सिचुएशन में नजर आता है, एकदम घुटने टेक दिए है लगता है। जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से दबलाया गया था तो रास्ते भर गिड़गिड़ाता नजर आ रहा था। साफ तौर पर मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने फर्ज अच्छी बकायदे बहुत बखूबी निभाई है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, बात की जाए कोर्ट की, तो नैनी सेंट्रल जेल से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की कोर्ट परिसर की दूरी है, इसलिए लिहाजा जो सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यापक तैयारियां की गई हैं, जो चौराहे हैं जहां से उसका काफिला गुजरेगा, वहां पर ट्रैफिक पुलिस के साथ ही सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे चप्पे चप्पे पर जो साफ तौर पर क्योंकि कई घटनाओं को उसने कारित करवाया था, एक बार उसने कोर्ट में ही अपने ऊपर बम चलवा दिया था, तो इसलिए लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि साफ तौर पर वो कई बार नाटकीय ढंग से कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करता है तो कहीं अपने बेटे से मुलाकात करने की मांग करता है, तो इससे जाहिर है कि माफिया में बहुत ही ज्यादा खौफ है। और साफ तौर पर आज जब सीजीएम कोर्ट में 11 विकास कहीं खौफ वो तो नहीं है जो रास्ते भर में उसे सताता रहा, कहीं खौफ वो तो नहीं है जब उसे लग रहा था कि गाड़ी पलट जाएगी, कहीं खौफ वो तो नहीं है जिसमें उसे लगा था कि कहीं इनकाउंटर ना कर दिया जाए उसका, इसलिए लास्ट बार बेटे को देख लूं, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। बिल्कुल रचना जी, जिस तरीके से माफिया थी का मतलब उमेश पाल अपहरण केस में भी आया था, तब भी उसने गुजारिश की थी कि उसके अपने बेटे से मुलाकात करवा दी जाए। जो अली रंगदारी के मामले में जिदान अपहरण केस और रंगदारी के मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, उस मामले में माफिया थी कामत का भी मुकदमा दर्ज है। तो साफ तौर पर खौफ तो जरूर है, लेकिन आज जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जब उसको पेशी होगी, उसके बाद साफ तौर पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो डॉक्टर दिनेश चंद्र जो गौतम है वो साफ तौर पर या जरूर देखेंगे तो पुलिस की तरफ से जो अर्जी दाखिल की जाएगी कि उसको कितने दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की जानी है। वही बात की जाए तो प्रयागराज पुलिस ने पुलिस लाइन स्थित एक रूम में जो तैयारी की है, जिसमें प्रोजेक्टर सहित कई सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज है
वो इकट्ठा कर लिए हैं माफिया बेग अहमद और अशरफ से एक दूसरे के अगल बगल बैठा कर उससे पूछताछ की जाएगी। उससे जो फोटोज हैं, जो वीडियो हैं, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, उसमें एक एक चेहरे को पहचानना, उन तक पहुंचना, ये कोशिश यूपी पुलिस की भी है। इसलिए फुल प्रूफ प्लानिंग अब अतीक और अशरफ और बाकी जो उसके गुर्गे हैं उनसे पूछताछ के जरिए सबूत इकट्ठा करने को लेकर भी यूपी पुलिस तैयार दिख रही है। आप रहिएगा हमारे साथ। माफिया अतीक के करीबियों के ठिकाने पर एक्शन की खबर है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले हैं। ऐसे में छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों से कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। छापेमारी में कई कंपनियों के बारे में भी मालूम पड़ा है। साथ ही साथ छापेमारी में डमी कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। ये सिर्फ डमी कंपनियां थी, ऑपरेशनल नहीं थी। कागजों में कंपनी का मालिक कोई और है और असल में कोई और है। कंपनियों में माफिया अतीक के पैसे लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्डर्स की मदद से पैसों की हेराफेरी के लिए ये खास तौर पर कंपनियां बनाई गई और पैसों की हेराफेरी हुई है। माफिया अतीक ने ब्लैक मनी को व्हाइट इन्हीं कंपनियों के जरिए किया है। कुल 237 अकाउंट के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और ये पक्के सबूत हैं जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। 1890 करोड़ की बेनामी संपत्ति के कागजात पुलिस के हाथ लगे हैं। छापेमारी में डमी कंपनियों का खुलासा एक अहम कड़ी भी है और अहम सबूत भी है और इस केस को लेकर भी आगे परेशानियां अतीक अहमद और उसके करीबियों की बढ़ने वाली हैं। विकास, ये जिस तरह से छापेमारी की खबर आई है, अभी तक उमेश पाल किडनैपिंग केस, उमेश पाल हत्याकांड और इसके अलावा करीब 100 के करीब केस अतीक पर हैं, इसी तरह 50 के करीब केस अशरफ पर हैं। अभी ये ईडी की छापेमारी में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अतीक एंड कंपनी की। जिस तरीके से ईडी ने माफिया अतीक अहमद पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था, उसके बाद जब आज कल लगभग जब यूपी में माफिया अतीक अहमद की एंट्री हुई थी, उसके बाद जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो ईडी के, वो खुफिया तरीके से लगभग 13 से अधिक टीमों को गठित करके टैक्सी बुलवा के, यानी कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन इस तरीके से था कि किसी को कानों कान भनक ना लगे, इसलिए अलग अलग ठिकानों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनाती करके जो ईडी के आला अफसर थे वो उनके घरों पर पहुंचे थे। हालांकि जितने भी करीबियों जो जिनके यहाँ छापेमारी हुई है वो माफिया अतीक अहमद से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। जो जाहिर है इसमें बसपा के एक पूर्व विधायक जाफरी के यहाँ जो चायल कौशाम्बी से थे उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। तो साफ तौर पर प्रयागराज का जो विनायक सिटी सेंटर है जिसमें पीवीआर भी है, उसके जो नामी बिल्डर माना जाता है उसके घर पर भी लगातार छापेमारी हुई है और लाखों रुपए की बरामदगी हुई है। लगभग 75 से अधिक लाख रुपए की ईडी ने बरामदगी की है। हालांकि साफ तौर पर माफिया का या ईडी का बड़ा प्रहार था। इसके पहले माफिया अतीक अहमद की पत्नी के खाते सीज किए गए थे, झूसे स्थित उसके कोल्ड स्टोरेज से कई दस्तावेज मिले थे, उसको सील किया गया था। साथ ही साथ माफिया अतीक अहमद से जुड़े लगभग 200 डमी का जो खाते हैं उसको भी ईडी ने अपने हवाले कर लिया है जब्तीकरण में। साफ तौर पर कई अहम खुलासे हुए हैं जिसमें अतीक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ करता था। डमी जो कंपनियां थी उसमें माफिया अतीक अहमद के ब्लैक मनी शामिल हुआ करती थी, उसको व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने और विकास जब अतीक अहमद को रास्ते में ले जाया जा रहा था तो बहुत ही सरेंडर्ड वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आया था और कह रहा था कि माफिया गिरी तो कब की खत्म हो गई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया था तो बोला कि मैं तो सालों से जेल में बंद हूँ, भला मैं ऐसी कोई साजिश कैसे रच सकता हूँ। लेकिन इससे मालूम होता है कि अतीक भले ही जेल के सलाखों के पीछे था लेकिन उसका साम्राज्य बाहर उसी तरीके से काम कर रहा था और इस तरह के इन्वॉल्वमेंट ईडी छापेमारी में भी सामने आया है। अब एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें, अतीक की कोर्ट में पेशी से पहले फिर से एक बार अतीक का मेडिकल होना है। तबियत बिगड़ने की वजह से यह फैसला लिया गया, जेल प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है। दरअसल अतीक अहमद रात में बेचैन दिखा, तबियत खराब दिखी, अपने साथी जो कैदी थे उनको बताया गया, जेल प्रशासन तक इसकी सूचना मिली, फिर डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। सुबह दो डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने चेक किया है तो बीपी हाई है अतीक का, और अतीक का बीपी हाई होने के बाद उसे दवा दी गई है और अब जब कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा उससे पहले एक बार फिर से चेकअप किया जाएगा अतीक अहमद का। ये बीपी हाई की दिक्कत अभी अतीक अहमद की बनी हुई है और जैसे जैसे कोर्ट में ले जाने का वक्त नजदीक आएगा या फिर
आगे कार्रवाई उस पर शिकंजा कसा हुआ नजर आएगा। वैसे वैसे बीपी हाई और ज्यादा होगा, इस तरह का अनुमान है। अभिषेक, आपने बताया कि किस तरीके से बीपी बढ़ा हुआ है और रात भर बेचैनी में गुजरी है अतीक अहमद की, वो अतीक अहमद जो कि जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी बाहर कत्ल करवा दिया करता है, अब जब खुद की उल्टी गिनती शुरू हुई है तो बीपी हाई हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, लंबा सफर तय करके अतीक अहमद यहाँ पे पहुंचा है। 23.5 घंटे का सफर था और इतने लंबे सफर के बाद जब वो यहाँ पहुंचा तो उसको कुछ शिकायत हो रही थी शुरू में भी, और उसको जब उसकी बैरक तक पहुंचाया गया उसके बाद से ही तकरीबन 1-2 घंटे बाद उसे तकलीफ शुरू हो गई। उसने बंदी रक्षकों से कहना शुरू किया कि उसे घबराहट हो रही है। अतीक अहमद एंग्जाइटी का भी पेशेंट है, लिहाजा उस वक्त उसका बीपी चेक किया गया, बीपी हाई निकला। सुबह उसे और तकलीफ होने लगी, पूरी रात बेचैनी में रहा अतीक अहमद। सुबह जब तकलीफ बढ़ी तब 2 डॉक्टर्स को बुलाया गया, उसका चेकअप कराया गया, इनिशियल मेडिसिन दी गई है, इनिशियल दवाई दी गई है, यानी जो फर्स्ट एड के तौर पर कहा जाए, जो बीपी कम करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए जो दवाई होती है वो उसे दी गई, और उसके बाद उसे आराम करने को कहा गया है। अब से कुछ देर में उसका मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप जेल से निकालने से पहले किया जाएगा और फिर यहाँ से उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। ठीक है, और आप रखिएगा, चूंकि बीपी हाई हुआ है और अभिषेक बता रहे हैं कि रात भर बेचैनी में गुजरी है अतीक अहमद की। सुबह में 2 डॉक्टर्स पहुंचे, दवा दी गई है और जेल के लिए, माफ कीजिए, कोर्ट के लिए जब जेल से ले जाया जाएगा तो एक बार फिर से अतीक अहमद का बीपी चेक किया जाएगा। अभिषेक, विकास, नजर आप रखिएगा, एक एक मूवमेंट पर नजर आप रखिएगा, तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक आगे भी ये अपडेटेड खबर हम पहुंचाएंगे। अतीक अहमद, उसका भाई, उसका परिवार, उसके रिश्तेदारों की उल्टी गिनती मानो अब शुरू हो गई है और आज कोर्ट में पेशी का वक्त सुबह 11 बजे है। बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक।